अच्छी हूँ, आप कैसे हैं सब लोग? तो आप अब भोजपुरी के सबको दर्शकों को मनोरंजन करते थे, बंगाली हो गई है, बंगाली वाला गाना आपका बहुत फेमस हो गया है, कैसा लगा आपको? मुझे लगता है कि मुझे इस अच्छे ब्रेक की बहुत ज़रूरत थी। इंडस्ट्री में काफ़ी दिनों से कोई ज़्यादा चर्चित और अच्छा काम मैं कर नहीं पा रही थी, और जब मुझे गाना अप्रोच किया गया तो मैं सिर्फ यही सोच रही थी कि नॉर्मली एल्बम्स में करना है नहीं करना है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि एंटरटेनमेंट है और गाना बड़ा चटकदार लगा, तो जब भी जब मतलब कॉल आया मुझे, मैं फट से मैंने उसको हाँ कह दिया। और बंगालियों के लिए कुछ बंगाली में बोलना चाहेंगे? बंगालियों के लिए बंगाल में यही बोलूँगी कि थोड़ा थोड़ी कर मैं उसी के लाइन्स बोल सकती हूँ, चाय खाबे हमारे यहाँ पे तो पीबे ऐसे ही होता है, पर यहाँ पे पीते नहीं, यहाँ पे खाते हैं। सो इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा मजा मुझे इस गाने में करने में। लॉकडाउन में काफी लोग बोर हो चुके थे, आपके गाने से काफी लोगों ने इंटरटेन किया और पूरा लॉकडाउन काट डाला। जी, लॉकडाउन खुल चुका है जी, मतलब पूरा लेकिन एंटरटेनमेंट जारी रहेगा, जारी है। तो क्या नया कुछ आने वाला है? अभी जस्ट अगला गाना, दो गानों की सफलता के बाद में तीसरा गाना अभी जस्ट शूट हुआ है, और इसको आप बोल सकते हैं बंगलिनिया पार्ट 2। सो आप लोग इस गाने को जरूर जल्द ही देखेंगे, इसका मज़ा उठाइए, और बड़ा तड़कदार फड़कदार वाला गाना है ये, नाच की मलकिनिया। सो नाच की मलकिनिया क्या रंग दिखाती है, आप लोग जरूर देखते रहिएगा। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।